इस आदमी के महंगे सूट पर मत जाओ। सूट महंगा है पर आदमी बहुत चीप है। और बच्चों हमेशा कपड़े अच्छे पहने, इनकी तरह गंदे नहीं। बंद पिंजरे में रहने वाली चिड़िया आसमान में उड़ने वाले पंछियों से चलती है। तो खुद को बाजार में भी जाकर बेचेगी ना, वो तुझे 2 रुपए ना दे। थैंक यू, आज तेरी वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं अनाथ थी, मैं अनाथ हूँ और मैं अनाथ ही रहूंगी। आप यहाँ क्या कर रही? विंडो शॉपिंग आज देख रहे हैं, खरीदेंगे बाद में। मतलब तुम यहाँ इस अनाथ आश्रम में रहती हो? नहीं, ये तो मेरे पापा का है। ये लो रख लो। ये तो बहुत सस्ता है। पर तुम तो इतने बड़े बाप की बेटी हो, इतना सस्ते फोन का तुम क्या करोगे? रहने दो। कोई अगर गिफ्ट दे तो उसे लौटाना नहीं चाहिए, रूड लगता है ना। पर तुम्हारे पापा की तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना सस्ता फोन यूज करोगी तो उनकी इंसल्ट नहीं होगी? मेरे पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं इस अनाथ आश्रम में रहती हूँ। और यही रहना है या फिर आगे बढ़ने का इरादा भी है? नहीं नहीं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अच्छी बात है, ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया हमें बहुत पसंद है। रख लो। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें सोने में लाद देंगे। लेकिन हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारी मदद करोगी? हाँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ठीक, ये लो। की क्या बात है, हमें तो सबकी हेल्प करना अच्छा लगता है। हाँ बस निकल ही रहे, अगर स्कूटी मती का मूड अच्छा रहा तो बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है। मिश्री क्या है? सॉरी, कल बहुत ज्यादा ही बोल गई थी। देख तू हमसे बोली कोई बात नहीं, पर तूने जो बाबा से बात की ना वो गलत था, तू जाकर उन्हें सॉरी बोल। बोल दूंगी, पहले तू तो मान जा। तू फैमिली है प्रिया, तेरी बात तो माननी पड़ेगी। मिश्री मुझे लगता है तू जो कह रही थी ना बिल्कुल सही कह रही थी, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं भी वॉलंटियर करना चाहती हूँ। देख प्रिया, हम फैशन शो में वॉलंटियर नहीं करते, हम हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स ऐसी जगह पे वॉलंटियर करते हैं। मैं भी यही करना चाहती हूँ, पता नहीं होगा या नहीं लेकिन मैं तेरे जैसी बनना चाहती हूँ, शायद अच्छा ही हो जाए यार। अरे प्रिया तू हमारी तरह बन के क्या करेगी, तू तो हमसे बहुत बेटर है, तू किसी के हेल्प करके तो देख। मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे जैसे सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी खाकर आती है, जैसे जैसे सर्दी में इलाहाबादी अमरूद खाकर आती है, मतलब एकदम आत्मा तृप्त हो गई वाली फीलिंग आती है। अच्छा प्रिया हम तेरे लिए भी लंच पैक करके आते हैं। इडियट, ये जो मैं कर रही हूँ वो तेरे लिए और इन सड़क के भिखारियों के लिए नहीं, खुद के लिए कर रही हूँ। हाँ हेलो। हेलो साक्षी जी, मैं और मिश्री गरीबों को कपड़े डोनेट करने के लिए लेने जा रहे हैं, तो जिस एड्रेस पे जा रहे हैं ना वो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। ठीक है? शाबाश, हमने एक 20,000 का बैग लिया है, अगर वो काम कर दोगी तो बैग तुम्हारा। थैंक यू मैडम, अब तो पैसा ही पैसा। सब पैसा वेस्ट। इसे पैसा वेस्ट करना नहीं, इन्वेस्ट करना कहते हैं मामा। और कितने केले खाएंगे? बांजू, केला खाने से हाइट बढ़ती है। हाँ। अगर केला खाने से हाइट बढ़ती ना तो बंदर जिराफ से लंबे होते। प्रिया चाबी है,
जो हमारे लिए आश्रम के दरवाजे खोलेगी। तू वैसे कहिए रेडी हो जा। वो लोग अभी तक नहीं आए और इसके साथ पता नहीं कितनी देर रहना पड़ेगा। इसे अपनी स्किन की तो कोई परवाह है नहीं, मुझे भी धूप में घुमा रही है। और ये किस टाइप का डाउन मार्केट काम है, गरीबों के लिए डोर डोर जाके पुराने कपड़े बटोरना। अरे गरीब को कपड़े चाहिए होंगे, खुद ही मांग लेंगे यार। प्रिया चल, वैसे एक और घर। मिश्री तू एक काम कर, तू चल मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाय माता रानी, इतनी गर्मी। दुश्मन की सवारी, मतलब दुश्मन भी यही कहीं बैठकर नोटों के तीर बना रहा होगा। उसके जैसा पैसा खोर तो कोई और इंसान नहीं। मम्मी हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे ना? हम भी ना। किससे लड़ रही हूँ? I'm right here. तो आपसे लड़े? और करो भी क्या? ये तो तुम्हारी हॉबी है, इसलिए पीछा करते करते तुम मेरे घर तक पहुँच गई। ओ हेलो, हम पीछा करने वालों में से नहीं, आगे बढ़ने वालों में से। ओह ग्रेट, बढ़ो बढ़ो। पानी तक नहीं पूछा, अबे देखते हैं। हेलो हेलो आंटी। बोलो बेटा। तुम फिर से आ गई, तुम इसे जानते हो? माँ उस दिन मंदिर के अंदर। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वो हम स्वामीनाथ आश्रम से है, जरूरतमंद लोगों के लिए पुराने कपड़े इकट्ठा करते। पर कुछ लोगों को दूसरों की मदद करने में मिर्ची लगती है। एडिटेरे रूप से ताने क्यों मार रही हो? लेली बोलो ना जो बोलना है। देखा, लग गई ना मिर्ची। आप पानी पीजिए, हम चलते हैं। अरे अरे माँ, आजकल सरदर्द भी जो है ना घंटी बजा के आता है, अब चलिए। चुप कर। अरे बेटा सुनो। माँ आप उसे रोक क्यों रहे हैं? अंदर चलो। आप इसे अंदर क्यों बुला रही? बेटा चलो अंदर, अंदर बात करते। अरे ये जो एटीट्यूड है ना, वो अपने पास रखना, समझे मिस्टर इंग्लिश मीडियम। मैडम जी हमसे कुछ काम था। नहीं, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? सीढ़ी, तुम्हारे सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी है ये। दुबे जी नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते। इन्हें ठहरने की जगह चाहिए, अपने आश्रम में व्यवस्था कराओ जरा। ये कहीं बाहर से आए हैं क्या? जेल से। क्या पुलिस से भागे हुए मुजरिम ही तो है, भूत प्रेत नहीं है। चलो फटाफट व्यवस्था कराओ इनके रुकने की, पुलिस ढूंढ रही है इन्हें। पुलिस? मैडम जी
हमने तो सोचा था कोई छोटा मोटा काम होगा। जब सपने बड़े साइज के देखती हो ना, तो बड़ा काम करने का जिगरा भी रखो, वरना बड़े सपने का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं रेडी हूँ। मैं मिश्री को कोई एक इमोशनल सा बहाना चिपका दूंगी, और अगर मिश्री मान गई तो बाबा भी मान जाएंगे। शाबाश, तुम हमारी मदद करोगी तभी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू आंटी जी, गर्मी के मारे गला सारा डेजर्ट हो गया था। पानी तो पी लिया, अब क्या खाना खा के जाओगी? हाँ, ये खाना खा के भी जाएगी। अर्जुन, मेहमानों से ऐसे बातें करते हैं क्या? कभी तो प्यार से बोलिया करो। माँ, ये कोई मेहमान नहीं है, ये रहने दीजिए आंटी जी, मिश्री माइंड नहीं करेगी। मिश्री, कितना मीठा नाम है। तब तक तुम यहाँ बैठो और मैं कपड़े निकाल के लाती। ये कपड़ों का क्या करोगी? नदी में बहा देंगे। आपको क्या? It's not funny. आहा, English? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो। तुम ये कपड़ों का कुछ बिजनेस कर रही होगी, राइट? लेफ्ट। राइट का ऑपोजिट रॉन्ग होता है। पता है हमें, पर दिल तो लेफ्ट साइड में होता है ना? अपने लेफ्ट में चेक कीजिए, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगर दिल होता ना, तो आपके मुंह से आग ना उगलता, ड्रैगन कहीं के। आंटी जी कितनी प्यारी है, और आपको देखो, देख के लगता ही नहीं उनके बेटे हो। You know what? मैं भी जब तुम्हारी मॉम से मिलूंगा ना, तो मैं उन्हें पूछूंगा प्रेगनेंसी के टाइम पे वो क्या एक्शन मूवीज और नीम के पत्तों की डाइट पे थे जो तुम पैदा हो गई। हमारी मम्मी से मिलने के लिए ना, आपको पहले माता रानी के पास जाना होगा। हमारी मम्मी पापा नहीं है, पर अगर शिकायत करने का इतना शौक है ना आपको, तो फिर हमारे अनाथ आश्रम आ जाना। वही आपने उस दिन हमें ड्रॉप किया था, हमारे बाबा को आपने न जाने क्या क्या कहा था। क्या हुआ मिश्री को? She's pregnant. याद आया? वही पले बड़े हैं हम। वैसे ना मत ही आना आप, हमारे आश्रम के हलवे लड्डू खीर हींग ये सब मैच नहीं करता। Excuse me. हींग? है? हींग नहीं पता? अब हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हींग को तो हींग ही बोलते हैं। ये क्या हींग हींग लगा रखा है तुमने? देखो सीधे सीधे बता रहे, सुन लो। कभी कभी आंटी जी जैसे लोग हमारी हेल्प कर भी देते हैं, पर हमारा आश्रम चलाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप इस बड़े से बंगले में आराम से बैठ के अपने नोटों के जहाज उड़ाओ और माता रानी को थैंक्स बोलो कि आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। पहले अपनी सैड स्टोरी सुनाकर सिंपैथी पैदा करोगी और फिर सामने वाले को इंसल्ट करके नीचा दिखाओगी। ओ हेलो, ऊंच नीच का पापड़ा खेलने का शौक ना हमने बचपन में ही पूरा कर लिया था। वो तो आंटी जी ने हमसे प्यार से बात की थी इसलिए हम रुक गए थे, वरना आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका ये हेयर स्टाइल, इन सब में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब से तो ना हम 20 मील दूर ही अच्छे हैं। तो जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। स्टुपिड गर्ल। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? चली गई या तुमने उसे भगा दिया? बेचारी प्यारी सी बच्ची। बेचारी प्यारी और बच्ची, तीनों में से कुछ भी नहीं है। पर आगे से आपको कहीं दिखी तो आप रास्ता बदल दीजिएगा, प्लीज। अरे
मिश्री, ये राधे जी हैं। इनको एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इनके लेफ्ट पैर पर चोट आई है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। और इनका तो कोई है भी नहीं, ना घर ना परिवार, कोई भी नहीं है। हम इन्हें आश्रम में तो रख नहीं सकते, लेकिन इन्हें कुछ कपड़े ही दे देते, थोड़ी इनकी हेल्प हो जाएगी। हाय मम्मी, सफेद कपड़ों पे इंक गिरवा देना, हमारे स्कूटी के टायर पंचर करवा देना, सर्दी जुकाम हमको सब कुछ चलेगा, लेकिन वापस उस लड़के से मत मिलवाना। प्रिया कहाँ है? फोन कर लेते हैं। मिश्री, अरे प्रिया, हम तुझे ही फोन करने वाले थे, कहाँ रह गई थी? चल मिश्री, रुकना, आइए। मिश्री, ये राधे जी हैं। इनको एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इनके लेफ्ट पैर पर चोट आई है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, ये बड़ी गाड़ी वाले ना होते ही निकम्मे हैं। हाँ वही तो, और इनका तो कोई है भी नहीं, ना घर ना परिवार, कोई भी नहीं है। अब हम इन्हें आश्रम में तो रख नहीं सकते, लेकिन इन्हें कुछ कपड़े ही दे देते, थोड़ी इनकी हेल्प हो जाएगी। भांजी, तुम्हें क्या लगता है, बात आगे बनेगी? अरे मामा, जरा चिल करिए, आप घबराते बहुत है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चलिए। पर हमारे आश्रम में इतनी जगह कहाँ है? जगह है ना, हमारा आश्रम इतना बड़ा है कि वहाँ पैर रखते ही सबके आंसू, दुख, दर्द कब कहाँ खो जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। आपको भी सेम टू सेम यही फीलिंग आएगी, आप चलिए हमारे साथ। अरे प्रिया, आज एक सेकेंड, प्रिया तूने तो कहा था कि इनके बाएं पांव में चोट लगी है, पर ये तो दाएं पांव से लंगड़ा रहे। मर गए भांजी, अब आगे बात नहीं बनेगी। अरे काहे का टैलेंट, ये तो पहली परीक्षा में फेल हो गए। वो एक्चुअली वो बोलिए ना, बात बराबर है, चोट बाएं पैर में ही लगी है, पर वो कार की टक्कर से झटका लगा ना, तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ वही तो, अब एक्सीडेंट करने वाला ये थोड़ी देखता है कि लेफ्ट में मारना है या राइट में टक्कर मारनी है। और एक्सीडेंट होने के बाद तो पूरी बॉडी में ही पेन होता है ना, तो तू हेल्प करना, सवाल मत कर। अरे, अरे कोई बात नहीं बिटिया, अब गरीब आदमी से तो सब लोग सवाल पूछते ही है। सॉरी अंकल जी, वो हमारा वो मतलब नहीं था। वैसे तो हम अकल के काफी धनी हैं, पर कभी कभी गच्चा खा जाते हैं। आप चलिए ना। बिजली, अंधेरा, सब कुछ एक साथ, कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना? मम्मी कुछ कहना चाह रही हो?
रोशनी, अंधेरा, सब कुछ एक साथ, कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना? मम्मी कुछ कहना चाह रही हो? अरे तू खड़े खड़े क्या देख रहे, जा जाके फ्यूज चेक कर। हाँ मैं देखता हूँ। अरे आ गई बेटा तू। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। बाबा हम बताते, चलो लाइट भी आ गई, हम बताते। राधे जी आप बैठिए ना। बैठ। बाबा जब आप दोनों पहले कभी मिले ही नहीं हो तो फिर पहचानोगे कैसे? ये राधे जी, इन्हें आज एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है बाबा। ये प्रिया के पास गए थे मदद मांगने, प्रिया इन्हें हमारे पास लेकर आई और हम आपके पास लेकर आए हैं। और ये है हम सबके बॉस, हम सबके पापा समान हमारे बाबा हैं। ये इतने डेंजरस हैं, इतने डेंजरस हैं कि इनको देखकर हर किसी के आंसू चुभ जाते हैं। और अरे बस 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 बस, खुद ही बोलती रहेगी या दूसरों को भी बोलने का मौका देगी? आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। ये आश्रम नहीं, ये तो मंदिर है स्वामी जी। माथा टेक लिया, बस अब मैं चलता हूँ। आप पर अपने दर्द का बोझ डालने का पाप नहीं करूंगा स्वामी जी। हमारे आश्रम में ना दर्द की चटनी बनाई जाती है और चटनी जितनी ज्यादा हो उतना ही स्वाद बढ़ता है। क्या आप चाहते हो कि हम फीका खाना खाए? नहीं नहीं मैडम। तो आपको यही रहना पड़ेगा हमारे साथ। मिश्री बस अब तो देखती जाओ, ये जो सेंटा क्लॉस बनकर घूमती रहती है ना, एक दिन तुझे और इस आश्रम को ये ले डूबेगा। हमें पल पल की खबर देती रहना समझी। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। कैसी इन्फॉर्मेशन? अरे तो हमें पल पल की खबर देती रहना समझी। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। कैसी इन्फॉर्मेशन? अरे तो